कुछ टिप्स है मेरे पास जिससे आप इस हेयर पैच की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इन कॉम से आपको कॉम करना है, जैसे ये ब्रश कॉम है, ये राउंड कॉम है, ये राउंड कॉम से भी आप कॉम कर सकते हैं, ये स्पोक्स वाले मोटे स्पोक्स वाला कॉम है, आप इन कॉम से आप कॉम करिए अपने हेयर पैच को, उससे हेयर पैच को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा, उनके नीचे के बालों को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। और दूसरा, शैम्पू कंडीशनर करते टाइम आप ये स्प्रे बॉटल में शैम्पू भर लीजिए कंडीशनर के साथ और पानी के साथ, ऐसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपको शैम्पू कंडीशनर करने का टाइम नहीं है, पैच के ऊपर स्प्रे करा और अच्छे से कॉम से आप उसे सेट कर सकते हैं, ये इसे ड्राई वॉशिंग भी कहते हैं। दूसरा, जब भी आप नहा के निकलते हैं आप टॉवल से अपने हेयर पैच को ऐसे मत रगड़िए, ये सबसे बड़ा नुकसान है हेयर पैच का, इन बालों का। तो जब भी आपको करना है आप इस तरीके से टॉवल उसके ऊपर रखिए हेयर पैच को और ऐसे प्रेस करिए, प्रेस करेंगे तो नीचे के बाल उलझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं तो वो ज्यादा लंबा चलेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।